नमस्कार, स्वागत है आपको अलवन न्यूज में। मैं आपके साथ आर्यन शर्मा और चलिए रुक करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। ट्वेंटी वर्ल्ड कप से लौटते ही बुरे फंसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मुंबई एयरपोर्ट पर दो घड़िया जब्त। घड़ियों की बात 5 करोड़ आगे जा रही है। हार्दिक ने नहीं दिखाए पेपर, जांच में जुटी कस्टम की टीम। मुंबई में सैमसंग मोबाइल के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, देखते ही देखते 3 कंपनियों को और भी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आज देश को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग दूसरे की पट्टी पर उतारते हैं अपना जहाज। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान समीर और आमिर के रूप में हुई। 3.5 घंटे तक चला एनकाउंटर। एक सीमेंट कारोबारी भी मारा गया, आतंकियों को दी थी पना। तो फ्लोर पर छुपे थे आतंकी, सरेंडर करने के लिए कहने पर की फायरिंग। किताब में हिंदुत्व पर विवादित बयान को लेकर बड़ी सलमान खुर्शीद की मुश्किलें। नैनीताल में कांग्रेस नेता के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ और आगजनी। सलमान खुर्शीद के घर के बाहर उपद्रवियों ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता के पुतले दहन के बाद बड़ा बवाल। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सलमान खुर्शीद ने फिर साधा निशाना। बोले, मुझ पर नहीं, हिंदुत्व पर है हमला। कांग्रेस नेताओं ने हमले की निंदा की। ओबीसी बोले, यह ठीक नहीं है। सूर्य ढलने के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। अगले 2 साल में होगा 75 नए वंदे मातरम ट्रेन का परिचालन। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। भुवनेश्वर में 18 महीने बाद खुले कक्षा 6 से 7वीं तक के स्कूल। बिहार में शराबबंदी पर आज सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। नोएडा के सेक्टर 2 में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 2 मजदूर हुई मौत। बागपत में न्याय मजिस्ट्रेट ने सुब्रत राय समेत 18 लोग पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। प्रदूषण से दिल्ली को आज भी नहीं मिली राहत। AQI बेहद गंभीर स्थिति में। कोरोना से वैक्सीनेटेड को भारत में संक्रमण का खतरा कम। CDC ने अमेरिकियों को लिए जारी किया लेवल 1 नोटिस। पटियाला में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले सिद्धू, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। लखीसराय में ट्रक और सुमो गोल्ड में टक्कर, 6 की मौत, 4 घायल। ड्रग्स केस में 2 बार समन के बाद BSIT के सामने पेश नहीं हुई पूजा ददलानी, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। कोरोना से बीते 24 घंटों में देश में 8,865 नए केस आए सामने, 197 मरीजों की हुई मौत। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।